हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान जी का अतिथि शिक्षकों के द्वारा विरोध किया गया था। जन आशीर्वाद यात्रा में शिवराज सिंह चौहान जी पहुँचे थे, वहाँ पर अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है सरकार से कि जो 2 तारीख को घोषणा की थी वो जल्द ही लागू की जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक वो घोषणाएँ लागू नहीं की गई हैं। इसके संबंध में अतिथि शिक्षक खासी नाराज़ हैं और सरकार का विरोध प्रदर्शन किया और घोषणा करवाने की मांग की है सरकार से कि जल्द शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, मैं 2 वीडियो आपको दिखाने वाले हूँ जिसमें अतिथि शिक्षक रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। और जन आशीर्वाद यात्रा में एक महिला ने शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया, ठीक है, मीडिया से बात की, वो बोला है कि हम बरसों सेवा दे रहे हैं लेकिन हम लोगों को सरकार ने आज तक नियमितीकरण नहीं किया और न भविष्य सुरक्षित करने की घोषणा कर रही है, जबकि 2 तारीख को स्पष्ट हो चुका है कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन सरकार ने जो 2 तारीख को घोषणा की थी वो अभी तक लागू नहीं की गई, जिसके संबंध में महिला अतिथि बहुत ही ज़्यादा नाराज नज़र आ रही हैं, ठीक है। जिस पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अतिथि शिक्षक क्या मांगे सरकार से और हर जगह पर जहाँ पर भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, वहाँ पर अतिथि शिक्षक पहुँचे और अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, बीजेपी को हटाने की बात की जाती है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। वीडियो में बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में उमड़ी है, कुछ नहीं है आपने क्या है
ऑटो में भिजवा देना उनको, भिजवा दो। सर बता दो जी।